ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत से इंग्लैंड टीम दहशत में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WIP टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इंग्लैंड सीरीज की, जहां पर इंग्लैंड की टीम इंडिया से टेस्ट और वनडे खेलने भारत आने वाली है। लेकिन इससे पहले वह श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच खेल रही है और वहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले टेस्ट में श्रीलंका को हरा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वे श्रीलंका में दूसरा टेस्ट में ध्यान देने के बजाय कप्तान जो रूट को टीम इंडिया से हारने की चिंता सता रही है। और वहीं इस सीरीज से श्रीलंका में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद इंग्लैंड की टीम दहशत में है और कप्तान जो रूट ने टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही कई पुराने खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, आपको बताएंगे अंग्रेजों की दहशत का पूरा राज और इंग्लैंड के कप्तान ने क्या बड़ा बयान दिया है दहशत में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में क्रिकेट जगत से जुड़ी और भी बड़ी खबरें बताएंगे, जिसमें दूसरी खबर ये होगी कि मोहम्मद सिराज को 5 विकेट लेते हुए देखना चाहते थे माइकल क्लार्क, बताइए ये बड़ी वजह। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान क्यों अपने ही टीम के खिलाफ सिराज को 5 विकेट लेते देखना चाहते थे। तो वही दोस्तों, तीसरी खबर में बात करेंगे इंग्लैंड सीरीज के पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। तो दोस्तों, इन तीनों ही खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरह टीम इंडिया इंग्लैंड को भी टेस्ट सीरीज में रौंदे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की उसी के घर टेस्ट सीरीज में हारने के बाद भारतीय टीम देश लौट आई। अब टीम को अगले महीने इंग्लैंड की मेजबानी करनी है। लेकिन दोस्तों, भारत आने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हार ने इंग्लैंड में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि अंग्रेज जानते हैं विपरीत हालातों में भी ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात देने वाली टीम इंडिया अपने घर पर कितनी खतरनाक हो सकती है। इसीलिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने सीरीज दौरे से पहले कहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारत की जीत टेस्ट क्रिकेट के लिए शानदार थी और वह जानते हैं कि इस टीम को उसकी सरजमी पर चुनौती देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कप्तान कोहली के अलावा कई चोटिल स्टार खिलाड़ियों के बिना खेल रहे भारत ने ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती, जबकि इससे एक महीने पहले टीम एडिलेड में पहले टेस्ट इतिहास के सबसे कम 36 रन के न्यूनतम स्कोर पर सिमट गई थी। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर रूट ने मीडिया से कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया श्रृंखला शुरुआत से लेकर अंत तक शानदार रहा और भारत को जीतते हुए देखना अच्छा लगा, क्योंकि उनके कई खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, उसके बाद भी अपनी आधी ताकत से जिस तरह टीम से लड़ा वह काबिले तारीफ है। अब भारतीय टीम अभी आत्मविश्वास से भरी होगी, उनकी टीम काफी अच्छी है और हमें पता है इंडिया अपनी घरेलू परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करता है, लेकिन हमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, लेकिन यह हमारे लिए रोमांचक श्रृंखला होगी। उन्होंने कहा, हम श्रृंखला जीतने के इरादे के साथ वहां जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि भारत को उन्हीं के धरती पर हराना आसान काम नहीं है, इसलिए हम अभी से इस श्रृंखला की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड के भारत दौरे की शुरुआत 4 टेस्ट श्रृंखला से होगी, जो चेन्नई में 5 फरवरी से खेली जाएगी। इसके बाद 5 T20 और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी होगी, मतलब इंग्लैंड का दौरा काफी लंबा होने वाला है। वही दोस्तों, भारत के खिलाफ 4 टेस्ट की सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चेन्नई में होने वाले पहले 2 टेस्ट के लिए जो रूट की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक और ओपनर रोरी बर्न्स की टीम में वापसी हुई है। इन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले आराम दिया गया था। वहीं भारत के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए जॉनी बेस्टो, सैम करन, मार्क वुड को रेस्ट दिया गया है। इंग्लैंड एंड वेल्स बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ओली पॉप फिट होने पर टीम से जुड़ जाएंगे। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध होंगे, इसके बाद वे इंग्लैंड लौट जाएंगे। ऐसे में माना जाता है कि दूसरे टेस्ट में बेन फॉक्स कीपिंग का जिम्मा संभाल सकते हैं। इंग्लैंड के स्पिनर के रूप में मोइन, जैक लीच और डॉम बेस को चुना है। वहीं तेज गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर के साथ क्रिस वॉक्स, जैम एडर्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली स्टोन होंगे। वहीं दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान मैदान पर दर्शक नजर आ सकते हैं। बीसीसीआई गंभीरता से चेन्नई के चेपक स्टेडियम और अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 50% दर्शकों को आने देने की कोशिशों में जुटा है। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैच
चेन्नई में खेले जाएंगे, जबकि तीसरा और चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से सलाह ली है, जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। बीसीसीआई ने बताया, बोर्ड चार टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान 50% दर्शकों को मैदान पर आने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए बीसीसीआई तमिलनाडु क्रिकेट संघ और गुजरात क्रिकेट संघ के साथ ही राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते बीसीसीआई ने तय किया है कि अगर चेन्नई और अहमदाबाद में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो उसके अनुसार दर्शकों के आने पर निर्णय लिया जाएगा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दर्शकों को आने की अनुमति मिलती है तो आईपीएल में भी दर्शकों को आने का मौका मिलेगा। बता दें कि बीसीसीआई आईपीएल 2021 भारत में आयोजित करने का विचार कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते आईपीएल 2020 का आयोजन 6 महीने की देरी से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया था। तो दोस्तों, अगर स्टेडियम में दर्शकों को आने की अनुमति होगी तो फैंस टीम इंडिया का सपोर्ट कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी अक्सर मैदान में अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क अलग हटकर हैं। क्लार्क एक भावुक इंसान है और बड़ा दिल रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत खिलाड़ी फिल ह्यूज क्लार्क को बड़ा भाई मानते थे। मेलबर्न में वर्ल्ड कप 2015 का खिताब हासिल करने के बाद क्लार्क ने इस जीत को अपने छोटे भाई ह्यूज को समर्पित किया था। ह्यूज का निधन 27 नवंबर 2014 को हुआ था। अब क्लार्क ने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा दिल दिखाया है। क्लार्क ने कहा कि वह मोहम्मद सिराज का बहुत सम्मान करते हैं। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज शुरू होने से ठीक पहले सिराज ने अपने पिता को खो दिया था। सिराज ने अपने भारी व्यक्तिगत नुकसान के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में रुके रहने का फैसला किया। उन्होंने मेलबर्न में यादगार टेस्ट डेब्यू किया और गाबा टेस्ट में 5 विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। सिराज की तरह ही क्लार्क भी अपने करियर के दौरान ऐसी परिस्थिति से गुजर चुके हैं, जब उनके पिता को कैंसर हो गया था। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे मन में सिराज के लिए कितना सम्मान है। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था उसी दौरान मेरे पिता कैंसर से ग्रसित हो गए। इसके बावजूद मैंने घर वापस जाने का फैसला नहीं लिया। यह काफी कठिन था, लेकिन उसके पिता गुजर गए। उसने रुकने का फैसला किया और ईमानदारी से टीम की मदद करने का निर्णय लिया। इसीलिए मैं चाहता था कि वह कम से कम 5 विकेट ले, जिसके लिए उसने इतनी कुर्बानी दी है। अब चाहे भले हमारी टीम हार गई हो,